दिस इज हाउ द जर्नी हैज बिगन। साइकिल ब्लॉक के लिए मैंने जो चेस्ट बेल्ट लिया था वो अब लेके निकल पड़ा हूँ। पता नहीं कैसा रहने वाला है, बहुत दिन हो गए मुझे साइकिलिंग करते हुए, लेकिन बीच बीच में कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा था। लाइक मैं अगर 10 किलोमीटर चला रहा हूँ तो फिर 5 किलोमीटर चला रहा हूँ, 10 किलोमीटर चला रहा हूँ, बट हार्डली कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा था। लाइक अगर मैं चला रहा हूँ ना, 3 दिन चलाया, 4 दिन चलाया, फिर 5 दिन का गैप। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इस बार मैं सीरियसली चलाने वाला हूँ, बहुत शिद्दत से चलाऊँगा और हो सके उतना डेली चलाऊँगा, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो चलाना ही है कैसे भी करके, और स्लोली स्लोली अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये घर का एरिया तो आपने देखा ही होगा मेरा बहुत बार, लद्दाख भी निकला था तो यही रोड से निकला था। हाँ, ब्रीदिंग इशू होने वाला है क्योंकि मैंने इतना, मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैं बिगनर हूँ साइकिलिंग में, तो शायद से आवाज़ या फिर मेरा बोलते ना ब्रीदिंग का आवाज़ आपको इशू दे सकता है, होप सो ऐसा ना हो। ये बैक रोड है, ये बैक रोड मेरा सीधा लेके जाएगा मुझे ONGC की तरफ। अगर मैं वही सिटी की तरफ से निकलूँ तो मुझे बहुत लंबा रूट पड़ सकता है, बट ONGC ऐसे जाऊँगा तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो चलो आपको रास्ता दिखाता हूँ। अभी जो आप देख रहे हो नज़ारा, क्या खूबसूरत लग रहा है ना, कि पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बादल वादल के ऊपर से एकदम हट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मैं एक्चुअली साइकिलिंग करने निकलता हूँ रात को 8 बजे के आसपास, तो क्या नाचो मैं? लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए तो मैं जल्दी निकला हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा रहता है मेरा ये व्लॉगिंग एक्सपेरिमेंट चेस्ट बेल्ट के साथ विदाउट माइक। अगर ये सही नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइम कुछ और सोचना पड़ेगा, होप सो हो जाए। तो एक सेकेंड, मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं मोस्टली रात को ही निकलता हूँ 7-8 बजे। ओह, आम लेके निकले, बच्चे बैठे हुए आम बेचने के लिए। इस बार बहुत कम आम खाए यार, पता नहीं क्या हो गया इस बार। सो बेसिकली मैं रात को निकलता हूँ, बस ये व्लॉगिंग सेटअप ट्राई करने के लिए ये टाइम पे निकला हूँ। अगर सब सही रहा तो कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ, संडे राइड के प्लान्स है कुछ, साइकिलिंग को लेके हेल्थ कॉन्शियस होना है। लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल में मेरा वज़न 20-25 किलो बढ़ चुका है सिर्फ 1 साल में, और मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि ये क्यों बढ़ा है। एक्चुअली डेढ़ के जाने के बाद मुझे इतना स्ट्रेस और बोलते ना सडनली शॉक लगा है ना, तो मेरा पहले से ही रहा कि जब मैं डिप्रेस हो जाता हूँ या फिर मुझे टेंशन आता है तो मुझे भूख बहुत लगती है, और उसी के चक्कर में मुझे पता है कि मेरा वज़न भी बढ़ गया। अभी ऐसा नहीं चलेगा, बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा। सो चलो लेट्स रॉक एंड रोल दिस म्यूजिक। तो ये हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं ONGC। सामने जो दिख रहा है वो ONGC है, और अभी तक पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, 10 मिनट हो गए हैं और 2.5 किलोमीटर चला चुका है, लेकिन हार्ट रेट मेरा 156 जा चुका है। हाँ, ये है मेरी हालत फ़िलहाल, जो मुझे खुद को पसंद नहीं आ रही है। ये अच्छी बात नहीं है, जो ब्रीदिंग बढ़ रही है ना इतने में, विच इज़ नॉट गुड। आई नो आई एम ओवरवेट नाउ, अब मुझे कुछ करना है और मुझे इस पर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा जो मैं लेके रहूँगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये ब्रिज आता है एक जो मुझे चढ़ना है बिना कोई टूटे, खुद को मोटिवेट करना है कि ये होगा और ये होगा मुझसे। लेट्स गो एंड डू इट। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. We did it. बहुत तकलीफ होती है ब्रेक के बाद। पहले ना मुझसे होता था 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर,
अब गैप के बाद नहीं हो रहा। हाँ आप समझ सकते हो अब मेरी हालत क्या हो चुकी है। कोई नहीं, धीरे 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 होगा, वन स्टेप एट अ टाइम, एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्लोली स्लोली होगा। जैसे एक साथ खाना नहीं खाया जाता वैसे ये भी एक साथ नहीं होगा, स्लोली करेंगे। सो ये ऑयल अपना सीएनजी पंप है, दो सीएनजी पंप है, लेकिन अगर आप वीकेंड पे आओ तो आपको दो ढाई घंटा तो लगने वाला है। ये देखो बेवकूफिया, ये देखो, देख रहे हो सबकी बेवकूफिया, सबको गाई है भाई, सबको गाई है। कौन ऐसा है जिसको अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचना, लेकिन रोड ब्लॉक तो जरूर करेंगे। एनीवेज सर से ये भी हो सकता है कि मेरे को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से ब्रीदिंग बढ़ रही है, आई डोंट नो यार, लेट्स सी। मीनवाइल सो एक और प्रॉब्लम, कैश लाना भूल गया और हवा कम। अबे साले थैंक यू यार, मैं भी इडियट जैसा 15 दिन से खड़ा है गाड़ी और हवा नहीं चेक किया। शिट थैंक यू भाई, हाँ हो जाएगा। थैंक यू भाई, नहीं था यार, ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, तभी मैं सोचूं इतना ब्रीदिंग इशू क्यों हो रहा है, इतना नहीं होता था, और ब्रेक के बाद भी सडनली इतना क्यों, अब रियलाइज हुआ कि हवा कम था, मैं भी इडियट जैसा ऐसे ही चला जा रहा हूँ। अब चल रही है लग रहा है, हाँ चल रही है, शायद मैं और लंबा जा सकता था, लेकिन ये सब की वजह से मैं स्लो हो गया। कुछ भी फाइनली लिविंग फ्रॉम दिस साइड और हाँ रेस्ट किया ऑलमोस्ट 10 मिनट का। वेट अ सेकेंड, इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया, साइकिल का सेट करना। चलो यार, जिधर मैं रेस्ट किया था ना वहाँ पे मैं हमेशा रेस्ट करता हूँ, वहाँ पे पाव भाजी और वो इतना मस्त स्मेल करता है ना पाव भाजी, लेकिन मैं डिसाइड किया नहीं खाऊँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, उसरली की तरफ जाने का, वहीं पे मेरा घर है, तो अब यहाँ से यू टर्न लेने पड़ेगा, जो कि हम ले लेंगे। हाँ हाँ एक अच्छा है साइकिल को कि एंट्री नो एंट्री वाली मगज मारी, नहीं तो ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी करके हम निकल ही लेंगे। या ये था स्मूथ यू टर्न। सोलो साइकिलिंग करने का एक फ़ायदा है कि आप अपने हिसाब से रूट बदल सकते हो, जा सकते हो, जहाँ पे दिल किया ब्रेक ले सकते हो, स्टेमिना को एक्सटेंड कर सकते हो, अगर बैठे हैं तो रुक सकते हो, ग्रुप में वो नहीं होता। लेकिन ग्रुप के भी फायदे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कोई साथ में होता है, अगर आपका मोरल डाउन हो गया है तो आपको मोटिवेशन दे के आपको पुश कर सकता है। सो प्रोज एंड कॉन्स तो हमेशा रहते ही है, कभी ट्राई करूँगा ग्रुप में, अगर ग्रुप बन गया ना मेरा बड़ा साइकिल का भी, तो कभी साइकिलिंग भी करूंगा ग्रुप में, लेकिन तब तक मैं उस लेवल का बन जाऊँ, मेरा उतना स्टेमिना आ जाए कि यार मैं चला सकता हूँ इतना, तो ही फायदा है, वरना पोपट हो जाएगा। जैसे आज हुआ 3 किलोमीटर में सांसें चढ़ गई, अगर वैसा ग्रुप में हुआ ना तो गंदा वाला पोपट हो जाएगा। सो ये जो ट्रैक्स दिख रहे हैं ना आपको, अगर आगे दिखाता हूँ, ये जाते हैं जेएनपीटी स्पेशली मालगाड़ी के लिए। ये रोड अभी अभी लास्ट ईयर ही
लॉकडाउन में इसको बनाया गया है सीमेंट का। पहले ये रोड तो आने लायक भी नहीं था, साइकिल चलाना छोड़ो चलने लायक भी नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल में ये रोड बना दिया, लेकिन आधा ही बना है, आधा कब बनेगा पता नहीं। हाँ, क्योंकि अभी है ना यहाँ तक बिल्डिंग्स आ गई है, लाइक पनवेल भी अभी इतने बॉर्डर को भी एक्सटेंड कर चुका है। ये देखो भाई, अभी क्या उतर जाओ ना इधर से। ये देखो किधर जा रहे, किधर जा रहे, सबको भाई आगे जाने, लेफ्ट में आने वालों के लिए जगह ही नहीं छोड़ने का। मैं बोला ना आधा ही रोड बना है, सो ये यहाँ तक ही है, थोड़ा सा और रस और उसके बाद फिर पूरा खराब रोड। सो मैं आपको बता रहा था कि ऑफ रोड कितना हो सकता है, देख लो सीमेंट का रोड थोड़ी देरी था, आप वापस पूरा ऑफ रोड आ गए, और मेरे अंदर अब एनर्जी बची नहीं कि मैं और पुश करूं। हाँ क्या करें, इन लोगों को रोड वोड बना नहीं है, सिर्फ पोट्रोल से भरे पड़े रोड, और बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं दगा दग, मतलब बिल्डिंग्स आ रही है रोड नहीं आ रहा है, और पानी का तो पूछो ही मत, समर में क्या इशूज होते हैं। ऑफ रोड ट्रेल, इसलिए मैंने रोड बाइक नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है इनसाइड के रोड कैसे है, यहाँ पे रोड बाइक चला ही नहीं सकता मैं, इसके लिए माउंटेन बाइक की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने MTB ली। जिसने नहीं देखा मेरा साइकिल का वीडियो, लिंक में जाके देख लेना, या फिर ऊपर किधर कार्ट में डाल दूँगा, और कुछ नहीं तो फिर ऐसे पत्थर डाल दिए। हालांकि साइकिल में ठीक है, लेकिन रात को या फिर ऐसे वो रिस्की हो सकता है, बाइक स्केट हो सकती है, इन लोगों को कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो आप हाफ रोड देख रहे हो ना, ये 6 महीने पहले बनाया था, 6 महीने से ये साइड ऐसा ही है। अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि ये रोड कब ख़राब हो, तब जाके वो रोड बनाएंगे। ये है हमारी गवर्नमेंट महाराष्ट्र की, आधा रोड बना है आधा बाकी है, भले लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी हो, हर जगह पे काम तो सेम ही है। घर के इधर आ गए हैं, आई होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, कोशिश की है साइकिल व्लॉग करने की साइकिलिंग के साथ, पता नहीं कैसा गया, अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एडिगो साहबा बेस्ट से टेक केयर, बाय बाय।